नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UDISE Plus डाटे के बारे में कि UDISE Plus डाटे को हम कैसे सर्टिफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्कूलों की ओर से जो UDISE Plus डाटा है वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है, बट पहले सर्टिफाई की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जो सर्टिफाई की ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने स्कूल के UDISE Plus डाटे को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो UDISE Plus को सर्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने स्कूल को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना स्कूल का UDISE कोड और ID पासवर्ड फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्कूल का डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपने जो भी अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन फिल की थी वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, नॉट सर्टिफाई ऑप्शन आ रही है। तो ओवरऑल जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड ऑल फॉर्म, तो आपके सभी फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, बट जो स्टेटस है वो अभी सर्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर हम 41 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, DRC और SRC दोनों को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं जो 42 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंपैरिजन करना है और डाटा को सर्टिफाई करना है। तो हमारा डाटा अभी तक नॉट सर्टिफाइड ही शो हो रहा है, जब तक हम सर्टिफाई नहीं करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है सर्टिफाइड डाटे पर। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्टिफाइड डाटे पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कंपैरिजन मिल जाएगा। तो हमें डाटा कंपैरिजन एंड जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में वहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है साल 2020-21 और साल 2021-22 का। तो यहाँ पर हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की थी इन दोनों का कंपैरिजन है 2 साल का। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, टीचर्स की डिटेल्स है, इसके अलावा क्लासरूम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट साइड में ऑप्शन है जो इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो है, इसके अलावा स्टूडेंट क्लासरूम रेशो है, स्टूडेंट टॉयलेट रेशो है, स्टूडेंट डेविएशन है, टीचर डेविएशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर्स दिए गए हैं इंडिकेशंस के लिए। तो जो ग्रीन कलर है वो गुड टू सर्टिफाई है, ऑरेंज प्लीज़ वेरीफाई, और जो रेड कलर है वो कैन बी सर्टिफाइड बाय रिमार्क्स। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज होंगी वो आपने अच्छे से चेक कर लेनी है कि उसमें कौन से इंडिकेटर्स दे रहे हैं, ग्रीन, ऑरेंज या रेड वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं, उनकी कौन सी रेंज है और उनकी कौन सी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो सभी ग्रीन में है। तो अगर ग्रीन में है तो आप अपने जो भी UDISE Plus का जो डाटा है उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन मॉड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो सही है। तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड बाय उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा। तो डेजिग्नेशन के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो यहाँ पर राइट साइड में नोट्स दिए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे जो डिक्लेरेशन डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए, इसके अलावा जो इंडिकेटर्स है वो आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं, और जो रेड इंडिकेटर्स है अगर वो हैं तो आप उसको क्रिएट कर लीजिए। और आफ्टर सर्टिफिकेशन डाटा विल बी फ्रीज। तो जब भी आपका सर्टिफिकेशन सर्टिफाई हो जाएगा तो उसके बाद डाटा फ्रीज हो जाएगा, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट 7 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आफ्टर सर्टिफिकेशन फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्कूल स्टेटस है, स्कूल कैटेगरी, क्लास फ्रॉम क्लास टू, स्कूल मैनेजमेंट, प्री प्राइमरी अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते अगर सर्टिफाई कर देते हैं। तो चेक करने के बाद आपने यहाँ पर उसको सर्टिफाई कर देना है। तो जैसे ही आप सर्टिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, स्कूल डाटा कैप्चर फॉर्मेट हैज़ बीन सक्सेसफुली सर्टिफाइड, इनकी डैशबोर्ड और एक्नॉलेजमेंट। तो हम यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी आपका डाटा था वो सक्सेसफुली सर्टिफाई हो चुका है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो
यू डाइस डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो है वो सक्सेसफुली फिल्ड हो चुका है। और तो अब हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारा जो सर्टिफाई ऑप्शन है वो ओके हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो सर्टिफाइड शो हो रहा है। तो हमारा जो डाटा UDIS डाटा प्लस है वो सर्टिफाई हो चुका है। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा में, जहाँ पर हमारा नोट सर्टिफाइड था तो यहाँ पर हमारा सर्टिफाई ऑप्शन शो हो रहा है। तो साथ ही यहाँ पर सर्टिफाइड बाय जो भी आपका स्कोर कोड होगा, और यहाँ पर एक डेट भी मेंशन की जाएगी जब आपने अपने डाटे को सर्टिफाई करना है। तो इस तरह आप अपने स्कूल के UDIS प्लस डाटे को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे अपने UDIS प्लस डाटे को सर्टिफाई करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इंडिकेटर में से पता चल जाएगा कि आपकी कोई गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो जस्ट आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जस्ट जो भी डिक्लेरेशन होगी उसका डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अपने डाटे को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हमारे किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।